आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, पटना लॉ कॉलेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म लिंक के बारे में बड़ी सारा कंफ्यूजन हो गया है। एक्चुअली ये कंफ्यूजन खुद उसके पटना यूनिवर्सिटी के मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हो, आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारा शेड्यूल दिया है। इसी शेड्यूल में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MBA या UG एंड PG प्रोग्राम के लिए मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि LLB लिख रहा है UG में, मैंने पिछले दो वीडियो में ये बताया हुआ है। आप वहां गए और आपने फॉर्म भरा, फॉर्म में LLB का नाम नहीं आ रहा है। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपको क्या करना है, सेल्फ के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आपको फॉर्म भरना है और चेक कर लेना है LLB आ रहा है कि नहीं। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि UG में नहीं है, PG में नहीं है। तो मैं अभी बताऊंगा पिछले साल और उसके पिछले साल किस तरीके से पटना लॉ कॉलेज का फॉर्म आता है और कहाँ नोटिफाई होगा, कहाँ पे आपको इसका डिटेल फॉर्म एप्लीकेशन लिंक सब कुछ मिलेगा, ये मैं आपको अभी के अभी बता देता हूँ। देखिए, ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है ना, अलग अलग एग्जामिनेशन शेड्यूल, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, काउंसलिंग, सबका इंफॉर्मेशन न्यू में यहीं पे मिल जाएगा पॉपअप के थ्रू। आप जाएंगे नीचे, समझिए इस बात को, सबसे नीचे जाएंगे तो सबसे कोने पे, मैं साइड हो जाता हूँ, आप यहाँ देखो लिंक फॉर ऑनलाइन एडमिशन है ना, यहाँ लिख रहा है फॉर PG वोकेशनल LLB। यहाँ समझिए, इसी तरीके से आपका फॉर्म LLB का अलग दिखाएगा। आप जैसे इसमें ऊपर बढ़ेंगे तो आपको LLM का अलग मेरिट लिस्ट दिखेगा, LLB का अलग मेरिट लिस्ट देखेगा। आप देखो यहाँ पे मिडिल में देखना, आपको दिख जाएगा सब कुछ। फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू LLB कोर्स, अगर ऐसा होता तो UG में लिखता LLB को, ठीक है। थर्ड मेरिट लिस्ट 2023 से 26 अपलोडेड ऑन द पटना यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑन 12/10/2023। अब सवाल ये है बच्चा लोग कि इस मेरिट लिस्ट में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यही रेफर कर दे रहा है, कहीं और हमें नहीं भेज रहा है। तो हम चलते हैं पुराने नोटिस, कहाँ फॉर्म अप्लाई होते थे उनको देखते हैं। ये रहा आपका फॉर्म, जब भी अप्लाई होगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा। लेकिन गड़बड़ी इसमें क्या है, इसमें 2023 का इन्होंने गायब कर दिया। अगर आप मेरा पिछला साल का वीडियो देखोगे उसमें क्लियरली मैंने फॉर्म भरने का एक एक प्रोसेस इसी वेबसाइट पे दिखाया है। अब चूंकि एडमिशन कंप्लीट हो गया तो वो हटा लिया जाता है, तो एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड 2022 है, 2023 का यहाँ नाम ही नहीं है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब सवाल ये उठता है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो उसका फाइनल मेरिट, फाइनल जो एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिस है वो कहाँ आएगा? तो वो आएगा यहाँ पे, देखो जैसे इस तरीके का लिख रहा है ना, पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन नोटिस, इसी तरीके से नोटिस उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ एक बड़ी खतरनाक क्राइटेरिया है कि फाइनल मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी पटना यूनिवर्सिटी पे आप भर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये चीज आपको क्लियर कर लेना है। तो आपका फॉर्म यहाँ आएगा, बच्चों के दिमाग में यह है कि सर उसका लिंक कहाँ से लेंगे, आपका कंसर्न जो है जेन्युइन है। कोई भी वेबसाइट, जैसे मैं खुद BHU में पढ़ा हूँ, तो हमारा वेबसाइट जो फॉर्म भरने वाला वो अलग है, क्लियर है, BHUonline.in, और जो जनरल इंफॉर्मेशन वाला है वो है BHU.ac.in। बात समझ रहे हो, जो लोग वहां के हैं उनके लिए BHU.ac.in है, जो बच्चे फॉर्म भरना बाहर से भर रहे हैं उनका है online.in। समझ में आ गया, क्लियर कर। यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे सारी चीजों की जानकारी यहीं पे है। तो यहाँ पे अलग से LLB का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि UG और PG में आपने देख लिया है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे यहाँ लिख रहा है ना, ऑनलाइन फिलिंग ऑफ MBA एप्लीकेशन फॉर्म 2024, उसी तरीके से ऑनलाइन फिलिंग ऑफ LLB एप्लीकेशन फॉर्म 2024 to 2027 आएगा। समझ में आ गया, जैसे आएगा, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर वोकेशनल एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स, इसका मैंने आपको बता दिया है, इसमें LLB नहीं है बच्चों। सो आपको क्या करना है, अब देर नहीं करनी है, हमारा कोर्स जो है LLB का, पटना यूनिवर्सिटी लॉ का, बहुत ही डेडिकेटेड फुल फोकस्ड कोर्स है। हर सप्ताह में नए बैचे जो हम ज्वाइन करवा रहे हैं आपको, सो आप इस बैच के, इस सप्ताह के बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समझ में आ रहा है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे। लेकिन मैंने फिर कहा कि ये नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास 1 महीने से भी कम टाइम रहेगा पढ़ने को, तो आप अभी से पढ़ के रहो। नहीं भरोसा है तो पिछले सीरीज का हमारा वीडियो लिंक है, जाकर के आप पटना लॉ कॉलेज के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए, आपको यकीन हो जाएगा, ठीक है। सो मिले अगले वीडियो में, कोई दिक्कत, कोई क्वेरी, कोई कंसर्न, कोई चिंता है आपको तो जरूर हमसे पूछिएगा, हम तुरंत जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।